हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, जो हमारे शब्द हैं, शब्दों का तर्क संगत क्रम, ठीक है, उनको सीक्वेंस में लाना है। कैसे होते हैं, क्या एक डेफिनेशन टाइप में जो कहते हैं रियलिटी एवं ट्रूथ पर भी, जो वास्तविकता और सत्यता पर आधारित, ठीक है, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित क्रम, समझ रहे ना मेरी बात को, दोबारा पढ़ता हूँ, जो रियलिटी मतलब जो सच्चाई है, ट्रुथ जो सच्चाई है, वास्तविकता और सत्यता पर आधारित शब्दों का ऐसा व्यवस्थित क्रम जो सर्वमान्य मान्यताओं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मानने वाली मान्यता तथा प्रकृति के नियम भी एवं सिद्धांतों के अनुरूप हो, वो होता है शब्दों का तर्क संगत, ठीक है, शब्दों को तर्क संगत रूप, ठीक है। देखो एग्जाम्पल भी लिए मैंने, ये कह रहा है जन्म, मृत्यु, सब यात्रा, विवाह और शिक्षा, तो इनको ना, ये पांच शब्द हैं, हमें इनको तर्क संगत व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ कुछ भी ये एक असंगत रूप में लिखे रहते हैं, देखो जन्म के बाद मृत्यु का कोई मतलब नहीं होता, इन सबको अरेंज करके जो हमारे ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना रहता। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले होता है जन्म ले लिया, ठीक है, जन्म के बाद इनमें अगर कोई काम है सबसे पहले करने वाला जन्म के तुरंत बाद, तो दूसरे नंबर पर क्या लेगा, वो शिक्षा लेगा, ठीक है। जैसे ही शिक्षा लेगा तो वो शादी भी करेगा, ठीक है, शिक्षा लेगा, शादी करेगा, सब काम हो जाएंगे, उसके बाद होगी उसकी मृत्यु, मृत्यु के बाद निकलती है सब यात्रा। ये होता है सीक्वेंस, ठीक है, शब्दों का तर्क संगत सीक्वेंस क्रम। आंसर जो ऑप्शन होगा उसमें आप करेंगे ए, ई, ठीक है, डी, बी, सी, ये आपका ऑप्शन होगा और इस पर लगा देंगे आप टिक। आया समझ। एक और देखो, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है और इम्पोर्टेंट भी है। इंद्रधनुष, वर्षा, धूप, आनंदित बालक, इसमें क्या होगा, इंद्रधनुष सबसे पहले नहीं निकलता, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, आपकी वर्षा होगी। जैसी जो वर्षा होती है, वर्षा के बाद धूप निकलती है, तभी तो इंद्रधनुष बनता है, समझे ना, यहाँ हमें इंद्रधनुष बनाना है। तो जो बरसात होती है, बरसात के बाद धूप निकलती है, धूप निकलने के बाद इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। जैसे ही इंद्रधनुष निकलता है तो जो बच्चा होता है वो उसे देखकर क्या हो जाता है, आनंदित, ये हो जाएगा पांचवें नंबर पर, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो ये रहेगा BCAED। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आप समझ भी गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। दो चार क्वेश्चन देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या रहता है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का। ओके, देखिए ये होते हैं क्वेश्चंस, एक दो में ऑप्शन दिए हैं, बाकी देख लेंगे, ऑप्शन से बताऊंगा क्यों मैंने ऑप्शन दिए हैं, क्या ऑप्शन से हमें बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। ऑप्शन बहुत बेनिफिट होते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। देखो ये कह रहा, अध्ययन, नौकरी, परीक्षा, कमाना और आवेदन करना, तो आप देख रहे हो ना सारे ऑप्शन हमारे किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ए से। चारों के चारों ऑप्शन अगर ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये पता चल गया कि सबसे पहले अध्ययन करना पड़ेगा। क्लियर बेटा, अगर ये पता चल गया, अध्ययन के बाद इसमें देखो सी, अध्ययन के बाद ये कह रहा है परीक्षा, इसमें अध्ययन के तुरंत बाद नौकरी, आपको क्या जच रही है कि अध्ययन के बाद नौकरी, परीक्षा तो कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी ना, इसमें भी परीक्षा देनी पड़ रही, इसमें भी परीक्षा देनी पड़ रही है, ठीक है। अगले में चेक करो, इसमें देखो इनमें देखते हैं आप, इसमें क्या बी, परीक्षा के बाद नौकरी, उसके बाद आवेदन करना, उसके बाद कमाना, इसमें क्या कह रहा, अध्ययन, अध्ययन के बाद परीक्षा, परीक्षा के बाद आवेदन करना, फिर कमाना, बाद में नौकरी, तो आप देख रहे हो ना ये सारे के सारे गलत हैं। क्या सीक्वेंस बैठ रहा है, हमें सबसे पहले अध्ययन करना है, कर लिया पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद हम पेपर में जाएंगे, पेपर में गए, पेपर में पास हो जाते हैं, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं, हमने क्या किया, आवेदन भरा, आवेदन भरा तो हमारी नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद क्या किया, कमाना शुरू। आ गया होगा समझ में, बिल्कुल ही आ गया होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कह रहा देश, फर्नीचर, वन, लकड़ी और वृक्ष, ठीक है, कोई भी ऑप्शन, ना तो सबसे लास्ट में कोई एक मिल रहा है अल्फाबेट, ना ही पहले वाला, इसका मतलब हम इसको अपने तरीका से देखेंगे। देखो होता क्या है,
हम ना इसमें चेक करते हैं सबसे बड़ा क्या वर्जन बन जाएगा। देखो सबसे बड़ा हो जाएगा देश, हो गया देश को ले लिया पहले नंबर पे। देश के अंदर वन होते हैं, हर एक देश में वन भी हो जाते हैं, ठीक है। वन के अंदर हमारी लकड़ियाँ नहीं होंगी, सॉरी, वन के अंदर वृक्ष, ठीक है। तो पहले नंबर पर देश, दूसरे नंबर पर वन, वन में होते हैं वृक्ष, वृक्षों से लेते लकड़ी तब बनता है हमारा फर्नीचर, आया समझ। तो चेक करते हैं पहले नंबर पर ए, दूसरे ये सी, ए सी, ए सी, किसी में भी ए सी नहीं है ना, तो ये बन गया आपका पहले वाला ही ए सी। दूसरी ई, ई मतलब वृक्ष, बी सॉरी डी, डी पे लकड़ी, लकड़ी से बना फर्नीचर, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर, आया समझ। हमें यही चीज़ देखना, देखो बिल्कुल जो हम अपने नॉर्मल लाइफ में, जो मैंने एक डेफिनेशन सी दी थी सत्यता और सच्चाई पे आधारित, जो हमारे सीक्वेंस बन सकते हैं उसी को ही, कभी भी फर्नीचर लकड़ी से पहले नहीं बन सकता। लकड़ी कहाँ से मिलती है, वन से। वन कहाँ होते हैं, वृक्षों में। वृक्ष कहाँ, वन वनों में क्या होते हैं, वृक्ष, ठीक है। और वन कहाँ होते हैं, देशों के अंदर, ठीक है बेटा। ये कह रहा अरेंज करना, मतलब कोई चीज़ तय करना, प्लान करना, डिस्कस करना, फिर एग्जीक्यूट करना, उसके बाद आइडिया, समझ रहे ना। तो आप क्या करोगे, कोई भी काम करने के आइडिया सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, आइडिया, ठीक है। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, ठीक है बेटा, ये वही आइडिया है। आइडिया के बाद आप किसी के साथ इसको प्लान बनाओगे, जो प्लान बनेगा योजना तैयार करोगे, क्लियर। योजना जैसे ही, योजना दो के या तीन के बीच में, फिर आप और लोगों में जाओगे तो वहां जाकर क्या करोगे, डिस्कस। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या करोगे आप, डिस्कस, ठीक है। जैसे ही आप डिस्कस करोगे तो आप एग्जीक्यूट करोगे, अरेंज करोगे, अब चीज़ों की अरेंजमेंट करोगे आप। चौथे नंबर पे क्या करोगे, अरेंजमेंट। और जैसे ही सब कुछ हो जाएगा, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अब लाते हैं कार्यान्वित करना, समझ गए ना बात, ठीक है। ये कह रहा समुद्र, जो सी, छोटी नदी, रिवुल्ट नदी, रिवर, महासागर और हिमनदी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहेगा, या तो आप, ऑप्शन भी कई बार हमें डिपेंड करता है, या तो हम सबसे बड़े को लेंगे जो महासागर है, तो उससे क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, या हम फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। इसके दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहले नंबर पे क्या, महासागर, महासागर से छोटी इकाई किसकी हो जाती है, हमारी सागर की हो जाती है, समुद्र की। दूसरे नंबर पर उससे छोटी क्या हो जाएंगी, हमारी नदी हो जाएंगी। तीसरे नंबर पर नदियों से छोटी क्या रहती है, ये हमारी छोटी नदी आ जाएगी। और सबसे बाद में ग्लेशियर, जो हमारी हिमनदी आ जाएंगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि अगर ऑप्शन इस तरीका से तो आप देंगे, अदरवाइज ये ऑप्शन रहेगा इसका। सबसे पहले होते हैं ग्लेशियर, ग्लेशियर से बनती है छोटी नदी, जैसे वो पिघलते हैं, छोटी नदियां जाकर मिलती है नदी में, और नदी जाकर मिलती है सागर में, और सागर मिलती है महासागर में, ठीक है। तो महासागर हमारी सबसे बड़ी यूनिट हो जाएगी। इस तरीका के क्वेश्चन है, बहुत ही आसान टॉपिक है ये लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ बर्ड। आई होप कि सभी को ना ये समझ में आ गया होगा। बस समझ में आ गया होगा तो फिर बसाई क्या है, आप वीडियो में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट।